नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम रणनीति में। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के राजनीति में उथल पुथल देखने को मिल रही है। पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया और इस सियासी घटनाक्रम से बिहार में कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह नाराज भी बताए जा रहे हैं। इस बार के चुनावी सीजन में बिहार के अंदर पप्पू यादव को साथ लेकर क्या कांग्रेस पार्टी चुनावी इम्तिहान पास कर पाएगी क्या? और दूसरे ये कि बिहार में सीट बंटवारे में आखिर क्या पेच फंसा हुआ है, जो सीटों के ऐलान में देर हो रही है। और साथ ही कई और बड़े सवाल हैं कि चौधरी लाल सिंह और बीएसपी सांसद रह चुके दानिश अली की कांग्रेस में शामिल होने से क्या फायदा होगा या फिर नुकसान। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और पूरी रणनीति समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बड़ी खबर का रुख करेंगे। कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशियों के नाम पर मंथन जारी है। कांग्रेस जारी कर सकती है उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट। बड़ी खबर आ रही है, आज दोपहर 3 बजे के करीब होगी सीईसी की बैठक और ये बड़ी बैठक होनी है। बैठक में बिहार झारखंड एमपी की सीटों पर चर्चा होगी। तो तमिलनाडु और यूपी की कुछ सीटों पर भी चर्चा संभव बताई जा रही है। आज हो सकता है नामों का ऐलान। कांग्रेस की बैठक और आज दोपहर 3 बजे करीब सीईसी की बैठक होनी है, जिसमें आज प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सकता है। तमिलनाडु और यूपी के कुछ सीटों पर भी चर्चा इस बैठक में बताई जा रही है कि संभव है तो बैठक में बिहार झारखंड एमपी के सीटों पर चर्चा होगी। तमिलनाडु और यूपी के कुछ सीटों पर भी चर्चा की संभावना जताई जा रही है। आज हो सकता है नामों का ऐलान। आज बेहद अहम बैठक है कांग्रेस की, सीसी की बैठक 3 बजे लगभग बताई जा रही है। अब बात बिहार की कर रहे हैं। हालांकि पप्पू यादव और दानिश अली ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद क्या कुछ कहा, जरा वो भी सुन लीजिए आप। है वो जिस आइडियोलॉजी को लेकर के हम छात्र राजनीति से संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम जहां पर हैं थे वहां दिक्कतें और कुछ नहीं, सिर्फ जिस ऊर्जा के साथ हम लड़ना चाहते हैं उन विभाजनकारी शक्तियों से, उसमें कहीं हमारे साथ कुछ दुश्वारियां पैदा हो रही थी। तो इसलिए ये फैसला, क्योंकि मैंने इसलिए कि पहले ही सेंटेंस में ये कह दिया कि आप इससे पहले सवाल पूछते तो मैं पहले ही उसका जवाब दे दूं, इसलिए आज ये अहम फैसला अपनी फ्यूचर पॉलिटिकल जर्नी के लिए मैंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के लिए लिया। दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह के खिलाफ आवाज और लड़ने की हिम्मत जो जिस व्यक्ति में, वो आदरणीय राहुल गांधी जी, उनका ट्रस्ट और एक हमारी जो सबसे ज्यादा जिसको मैं लाइक करता हूं आदरणीय प्रियंका जी, जो उसकी डायनामिक और डैशिंग आवाज है, सोच है और एक लक्ष्य है, उनका ग्रेसिंग, उनका ब्लेसिंग और उनका ट्रस्ट मेरे लिए कांग्रेस में काफी है। बस मैं इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। इस पूरी कांग्रेस परिवार ने जो सम्मान दिया और उस दो व्यक्ति के विश्वास ने जिस तरीके से हमें हिम्मत दी, अब उस बहन प्रियंका जी और उस संघर्ष के प्रतीक राहुल गांधी जी, भले ही ईवीएम, पूंजीपति, मीडिया और सीबीआईईडी के द्वारा कोई पीएम 400 पार कर ले, इस हिंदुस्तान के 130 करोड़ का किसी ने दिल जीता है तो वो राहुल गांधी है। तो इधर बिहार में हलचल बढ़ते देश में बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने गठबंधन पर हमला बोला है। क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा वो भी सुनिए आप।
कोई कहीं ज्वाइन करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की 40 की 40 सीट जीतने वाले हैं। सर अशोक महतो ने आज लालू यादव से मुलाकात कर आशीर्वाद दिया है, कल ही लालू जी किसी का शादी करावे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जनता मालिक होती है और जनता जो है नरेंद्र मोदी जी। एक भी सीट उनका जीत की स्थिति नहीं बन रही है, इसलिए वहां पो की स्थिति है, इसलिए सीट का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। तो बिहार की स्थिति लगातार बदलती नजर आ रही है। पप्पू यादव ने भी अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया है और दानिश अली जो कि बहुजन समाजवादी पार्टी के सांसद थे उन्होंने भी सदस्यता ले ली है कांग्रेस की। तो बिहार में जो स्थिति बदलती नजर आ रही है वो आपको जरा ग्राफिक्स जरिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में समीकरण क्या कुछ कह रहे हैं। तो आपको बताएं कि बिहार में अभी बात बाकी है। दरअसल बिहार में इंडिया गठबंधन में सीटों पर सहमति अभी तक नहीं बन पाई है। सीटों की सहमति को लेकर के भी बीजेपी इंडिया गठबंधन को आड़े हाथ लेती नजर आ रही है। बिहार में जिस फॉर्मूले पर बातचीत चल रही है उसको लेकर के आपको बताएं कि कांग्रेस आरजेडी और लेफ्ट के बीच सीटें नहीं अभी बट पाई हैं। उसमें कांग्रेस को 8 या 9 सीटें ही दी जा रही, सूत्र के हवाले से खबर है। कुल मिलाकर लेफ्ट 7 सीटें मांग रही है, जिसमें सीपीआई एमएल अकेले 5 सीटें मांग रही हैं। तो सीटों के बंटवारे को लेकर के अभी चर्चा तेज है। पशुपति पारस के भी महागठबंधन में जोड़े जाने की सुगबुगाहट अब तेज हो गई है, ऐसे में उनको भी सीटें चाहिए। उसे लेकर भी बिहार में आरजेडी की बैठक में तय हुआ है और बिहार में टिकट का फैसला लालू यादव ही करेंगे, यानी आरजेडी ही बड़े भाई की भूमिका बिहार में निभाती नजर आएगी। इस बात को लेकर के निर्णय लिया गया है। एक बार विधायक 5 बार के सांसद रह चुके हैं पप्पू यादव, जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। पप्पू यादव की जो अगर सियासी बैकग्राउंड क्या रहा, सियासी इतिहास क्या रहा, वो आपको हम बता रहे हैं कि एक बार विधायक भी रह चुके हैं और 5 बार के सांसद हैं। 2015 में जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव ने बनाई थी, जो कि खुद की पार्टी थी इनकी। आरजेडी के नेता भी रह चुके हैं राजेश टंडन, और इसके साथ ही 1991, 1996, 1999, 2004, 2014 में जीत दर्ज की है। 31 आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं पप्पू यादव पर। 12 करोड़ संपत्ति है पप्पू यादव की। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन के पति हैं, और इसके साथ यानी यहां पर यह बात आप समझ चुके होंगे कि दरअसल पप्पू यादव की पत्नी पहले ही कांग्रेस से सांसद हैं। सीमांचल कोसी मिथिलांचल में जीत की उम्मीद लगी है अब कांग्रेस की, या हम इंडिया गठबंधन की कहें। पप्पू यादव के कांग्रेस में शामिल होने के बाद से अपने आप को थोड़ी मजबूत स्थिति में कांग्रेस नजर आने लगी है, वो समझ रही है। किशनगंज, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा से भी कांग्रेस को उम्मीदें अब जगती नजर आ रही हैं। सीमांचल क्षेत्र की 4 सीटों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पप्पू यादव का देखने को मिलता है। सीमांचल क्षेत्र का अगर हम जिक्र करते हैं तो वहां पर 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर पप्पू यादव का दबदबा है, रुतबा है, और खासा प्रभाव भी देखने को मिलता है पप्पू यादव का। और पप्पू यादव के शामिल होने से बिहार में एक बार फिर से सियासी समीकरण में कितना बदलाव होता नजर आ रहा है, हम वो भी जानेंगे, समझेंगे। और सीमांचल क्षेत्र के बारे में आपको बताएं कि दरअसल वहां पर पप्पू यादव को, जैसे मैंने पहले भी कहा कि दरअसल पप्पू यादव का थोड़ा सा प्रभाव नजर आ रहा है और कांग्रेस इसको लेकर के अब आश्वस्त नजर आ रही है। कांग्रेस को थोड़ी सी बेहतर स्थिति में अपने आप को खड़ा होते दिख पा रही है। तो सीमांचल क्षेत्र के 40 से 70% अल्पसंख्यक वोट का भी प्रभाव यह माना जा रहा है कि इसका लाभ कांग्रेस को मिल सकता है।
तो पप्पू यादव के शामिल होने से कितना प्रभाव पड़ेगा बिहार में, क्या सियासी उठापटक देखने को मिल रही है, वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं और दिखा रहे हैं, लेकिन इसका धरातल पर कितना असर पड़ेगा वो एक बड़े सवाल खड़े करते हैं। और सवाल क्या है आज की, वो भी हम आपको बताएं कि इंडिया गठबंधन को फायदा या नुकसान पप्पू यादव के कांग्रेस में शामिल होने से, कांग्रेस पार्टी चुनावी इम्तिहान क्या पास कर पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। अब सीमांचल की सियासत किस करवट बैठेगी पप्पू यादव के कांग्रेस में शामिल होने के बाद, ये अपने आप में एक बड़ा और अहम सवाल है। दानिश अली और चौधरी लाल सिंह से फायदा होगा क्या, यानी जम्मू कश्मीर में भी, जम्मू में भी और उधर उत्तर प्रदेश की भी हम बात कर रहे हैं। पप्पू कांग्रेस के साथ क्या करेंगे बड़ी करामत, क्या पप्पू यादव कोई खेल दिखा पाएंगे क्या बिहार में, और दानिश अली क्या उत्तर प्रदेश में एक जो सीट उन्होंने जीती थी वो सीट एक बार फिर से क्या कांग्रेस की झोली में डाल पाएंगे क्या, जम्मू में क्या परिवर्तन हो पाएगा क्या, ये बड़े सवाल हैं। और बड़े सवालों को लेकर के ही आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन सियासी दलों की तरफ से क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है इस चुनाव को फतह करने के लिए और हर हथकंडे भी अपनाए जा रहे हैं। नीति में उथल पुथल देखने को मिल रही है। पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया है और इस सियासी घटनाक्रम से बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह नाराज भी बताया जा रहा है। हालांकि इस बार के चुनावी सीजन में बिहार के अंदर पप्पू यादव को साथ लेकर क्या कांग्रेस पार्टी चुनाव इम्तिहान पास कर पाएगी क्या, दूसरे सबसे बड़ा सवाल यह कि बिहार में सीट बंटवारे में आखिर पेंच क्या फंसता नजर आ रहा है, जो सीटों के ऐलान में देरी हो रही है। और बड़े सवाल हैं कि बीजेपी नेता चौधरी लाल सिंह और बीएसपी सांसद रह चुके दानिश अली के कांग्रेस में शामिल होने के क्या मायने हैं और कांग्रेस को इसका क्या फायदा मिलेगा या फिर नुकसान उठाना पड़ सकता है कांग्रेस का। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए, आपका तारुफ करा देते हैं और आज हम समझेंगे इन्हीं अपने खास मेहमानों से कि सियासी दलों की क्या कुछ रणनीति है। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ ऋषिकेश सिंह जी जुड़े हुए हैं, लाल बाबू खान जी जुड़े हुए हैं, आरजेडी नेता हैं, आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। ऋषिकेश सिंह जी, पप्पू यादव के कांग्रेस में शामिल होने से कितनी ऑक्सीजन मिलती नजर आ रही है आपको? योगेश जी, कल जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में हो गया और पप्पू यादव जी सीमांचल के साथ साथ कोसी में भी काफी मजबूत नेता के रूप में जाने जाते हैं और पूरे बिहार में भी लोकप्रिय हैं। पप्पू यादव जी का कांग्रेस में आने से कांग्रेस कोसी सीमांचल के साथ साथ पूरे बिहार में एक मजबूती मिलेगी। और पप्पू यादव की लोकप्रियता क्यों है, क्योंकि वो जनता के सुख और दुख में खड़ा रहते हैं। आपने देखा होगा कि जब बिहार में बाढ़ आई थी तो बाढ़ पीड़ितों को सहायता करने के लिए पप्पू यादव जी पानी में पार करके सहायता पहुंचाए। कोरोना काल देखा होगा आपने, कोरोना में भी जन जन तक उन्होंने मदद पहुंचाने का काम किया। साथ में पप्पू यादव जी एक बार विधायक, 5 बार लोकसभा सांसद रहे हैं और बिहार के राजनीति को अच्छे से समझते हैं। और पप्पू यादव जी का कांग्रेस पार्टी में आना एक सुखद संदेश है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बिहार में इस बार 40 का 40 सीट महागठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रही है। क्यों हराने जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कथनी और करनी दोनों अलग अलग के लिए जाने जाती है वो उन्होंने करके दिखाया। एक सभा में अमित शाह जी ने कहा था कि भविष्य में किसी भी तरह का कोई गठबंधन नीतीश कुमार और जदयू से नहीं होगा। और आपने देखा होगा कि चोर दरवाजे से इन्होंने फिर से जदयू के साथ मिलकर सरकार बनाई, यानी कि अमित शाह का कहा गया एक एक वाक्य जुमला निकला। प्रधानमंत्री जी ने उनके डीएनए पर सवाल खड़ा किया था, बिहार के डीएनए पर सवाल खड़ा किया था। ये दिखाता है कि वो मोदी की गारंटी हार की गारंटी में तब्दील हो रही है, तब तो जदयू का उनको जरूरत पड़ा। साथ में वो मांझी जी हों, कुशवाहा जी हों, ठीक है, अगर अकेले बीजेपी को मोदी की गारंटी पर विश्वास था, मोदी जी पर विश्वास था, तो गठबंधन पर क्यों जाना? बताया जा रहे हैं पप्पू यादव के शामिल होने से कैसे नहीं, नहीं नहीं योगेश जी, ये पूरी तरह से बेबुनियाद बात है। आपको मैं बता दूं कि पप्पू यादव जी का ज्वाइनिंग
केंद्रीय कार्यालय 24 अकबर रोड में हुआ है, और कोई प्रदेश अध्यक्ष अगर नाराज होते तो वो ऐसा कोई ज्वाइनिंग नहीं कर सकता। प्रदेश अध्यक्ष का बहुत बड़ा पद होता है। हाँ, व्यस्तता के कारण नहीं पहुंच पाए, सीएलपी नेता पहुंचे, पार्टी के केंद्रीय नेता उनको ज्वाइन कराए हैं, और कोई भी तरह का कोई उनको इससे नाराजगी नहीं है, पूरी तरह से बेबुनियाद बात है। ठीक है, लाल बाबू खान जी, कितनी मजबूती आप देख पा रहे हैं अब इंडिया गठबंधन को, क्योंकि एक समय था कि पप्पू यादव आरजेडी के बहुत करीबी हुआ करते थे, लालू प्रसाद यादव के बहुत करीबी हुआ करते थे, वो दौर था एक कि ये भी खबरें उड़ती थी कि लालू प्रसाद यादव के उत्तराधिकारी भी बन सकते हैं पप्पू यादव, यहाँ तक खबरें आपको याद होगा। तो अब पप्पू यादव खैर आरजेडी के साथ तो नहीं, लेकिन आपके सहयोगी दल कांग्रेस के साथ गए हैं, क्या परिवर्तन नजर आएगा बिहार में? अब सबसे पहले अपने दर्शकों को मैं, अभी रमजान का महीना चल रहा है, रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद, होली आने वाली है, होली की हार्दिक शुभकामना जी। कल पप्पू यादव जी की पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय हुआ, काफी खुशी की बात है, लेकिन कल के बाद से जो देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों में, काफी उनके अंदर बेचैनी सी प्रतीत हो रही है। पता नहीं क्या वजह है कि उनको पप्पू यादव से इतना डर क्यों है कि उनको कल के बाद से उनमें काफी बेचैनी। मीडिया में भी बार बार अनर्गल अनाप शनाप बयान दिया जा रहा है पप्पू यादव को लेकर। शायद इन लोगों को जानकारी नहीं है कि पप्पू यादव 5 बार के सांसद रह चुके हैं, 1 बार के विधायक रह चुके हैं। उनका कोसी सीमांचल और मिथिलांचल क्षेत्र में जो अपना दबदबा है, जो रुतबा है, वो इन लोगों को पता नहीं है। और पप्पू यादव का जो काम है, उन्होंने अपने पिछले राजनीतिक जीवन में जिस तरह से जनता के बीच जो अपना जुड़ाव, जो अपना लगाव बनाए रखा है, वो लगता है कि हमें लगता है कि इन लोगों को पता है, जिसकी वजह से ये लोग काफी बेचैन। इन लोगों को समझ में आ गया है कि पप्पू यादव के आने से हमारा जो 2-4 सीट 5 सीट मिलने वाला भी था, हमें लगता है कि इनको एहसास हो गया है कि ये अब कंफर्म 40 के 40 सीट बिहार में ये हारने जा रहे हैं। तो ये बेचैनी इनकी जो है, ये दर्शा रही है कि पप्पू यादव के आने के बाद से ये किस तरह की रणनीति अपनाएंगे, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। अभी आप देखिए, मैं एक छोटा सा मिसाल देता हूं। ये सरकार, मोदी सरकार, इतनी डरी हुई है कि ये एक तरफ जहां पप्पू यादव शामिल हो रहे हैं कांग्रेस में, तो उनको पर अनर्गल अनाप शनाप बयान लगा रही है, जो कि इतने प्रभावी बिहार के नेता हैं, जिन्होंने इतना बिहार में काम किया है, कोरोना से लेकर बाढ़ पीड़ितों की मदद जो की है, और एक तरफ जहां ये राज ठाकरे जैसी छोटी सी पार्टी, जिसका कोई वजूद नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, जो 2019 का चुनाव भी नहीं लड़ी, जिनके अभी मात्र 1 विधायक हैं, उनको लेकर इतनी उत्साहित अपने आप को महसूस कर रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। इतना जमीन आसमान का अंतर है राज ठाकरे और पप्पू यादव में, लेकिन राज ठाकरे को लेने के बाद ये अपने आप को अति उत्साहित महसूस कर रही है, और पप्पू यादव जैसे जो जमीनी नेता है, जो 5 बार के सांसद हैं, जिनकी पत्नी खुद 2-2 बार सांसद रहे, वो राज्यसभा सांसद हैं, और जिन्होंने जनता के साथ जुड़कर निरंतर काम किया है, जनता के हित में काम किया है, और उनके आ जाने से इनको काफी बेचैनी महसूस। बेचैनी सिर्फ और सिर्फ ये है कि कहीं अब इनका सुपड़ा साफ ना हो जाए। पहले 2-4 सीट की उम्मीद भी थी इनको, अब इनका बिहार से सुपड़ा साफ ना हो जाए, इनका बेचैनी सिर्फ यही दर्शा रहा है। तो बीजेपी के नेता तो पहले ही कह रहे हैं लगातार कि दरअसल आधा पैर तो उनका पहले से ही कांग्रेस में था, उनकी पत्नी सांसद कांग्रेस से ही हैं, तो अब अगर वो खुद भी उसमें शामिल हो गए हैं तो कौन बहुत बड़ी सी बात है। बीजेपी नेता तो यही कह रहे हैं कि कांग्रेसी तो पहले से ही थे। कांग्रेसी पहले से थे नहीं, वो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के 2014 में हमारे माननीय सांसद बने थे, उसके बाद से उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, ठीक है, वो
विचारधारा, उन्होंने तो स्पष्ट कहा है कल के अपने ज्वाइनिंग के बाद कि हमारी जो विचारधारा है और कांग्रेस की जो विचारधारा है दोनों में काफी मेल है। ये बात सही है कि कांग्रेस की जो विचारधारा है, जो सेवा, समर्पण और संघर्ष, ये जो कांग्रेस की विचारधारा है वही विचारधारा पप्पू यादव जी की है। उनके राजनीतिक जो जीवन अब तक के रहे हैं वो सेवा के रहे हैं, संघर्ष के रहे हैं और समर्पण के रहे हैं, जनता के प्रति समर्पण के रहे हैं। और इन्हीं विचारधाराओं को लेकर वो उन्होंने कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय किया है। तो इसमें कौन सी आश्चर्यचकित बात है, बिल्कुल ठीक बात, इसमें कौन सी बेचैनी की बात है भाई। ठीक बात ऋषिकेश जी, लेकिन अभी तक सीट बंटवारे को लेकर के भी कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं और कई तरीके की खबरें भी सामने बिहार से निकल करके सामने आ रही हैं कि आखिर इतना देरी क्यों बिहार में सीट बंटवारे को लेकर। योगेश जी, कोई देरी नहीं हुई है, आपको मैं अधिकृत रूप से बता दे रहा हूं कि 24 से 48 घंटे के अंदर सीट बंटवारा हो या कैंडिडेट का नाम हो, दोनों आपके सामने आ जाएगी। कांग्रेस में एक प्रोसेस होता है, स्क्रीनिंग कमिटी होती है जो कैंडिडेट का नाम शॉर्टलिस्ट करती है, साथ में उसके बाद वो सीईसी में जाती है, सेंट्रल इलेक्शन कमिटी में, और जो शॉर्टलिस्ट होके नाम जाते हैं योगेश जी, उन नामों पर वहां चर्चा होती है और अंत में केंद्रीय नेतृत्व उस पर मुहर लगाता है। और ये दोनों चीज आज से लेकर के 48 घंटा तो मैंने ज्यादा कह दिया, 24 घंटे के अंदर आपको बिहार की स्थिति स्पष्ट रूप से सामने रख दी जाएगी। कितने सीटों पर आरजेडी लड़ेगी, कितने सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, कितने सीटों पर लेफ्ट के पार्टियां लड़ेंगी और कौन कौन सी वो सीटें होंगी। कल भी आरजेडी के साथ एक सकारात्मक बैठक संपन्न हो गई है और लगभग सभी सीटों पर चर्चा हो गई है कौन सी पार्टी कौन से सीट पर लड़ेगी, और 24 घंटे के अंदर आपको सीट बंटवारा भी और कांग्रेस की तरफ से कौन कैंडिडेट होंगे दोनों चीजें आपके सामने रख दी जाएगी। पशुपति पारस को लेकर के तमाम तरीके की सियासी अटकलें चल रही हैं, क्या वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, क्या होंगे, क्या अभी इंडिया गठबंधन के वो हिस्सा नहीं है। पशुपतिनाथ पारस जी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो दुर्व्यवहार किया, जब जरूरत थी तो लोजपा से तोड़ के उनको अलग कर दी और जब जरूरत पूरा हो गई तो दूध से जैसे मक्खी को निकाल के फेंक दिया जाता है, उस तरह से पशुपति पारस जी को फेंक दिया गया। पशुपति पारस जी अभी इंडिया में अलायंस में कहीं उनका कोई स्थान नहीं है, लेकिन अगर भविष्य में किसी तरह की संभावना बनती है तो उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल वो इंडिया अलायंस का सदस्य अभी नहीं है। नहीं अभी तो नहीं है, लेकिन कितनी सीटों पर आप उनको राजी करेंगे, क्योंकि जाहिर तौर पर है अगर इंडिया गठबंधन से वो अलग हुए तो सीटों की नाराजगी ही थी। नहीं, राजी करना हम लोगों का काम नहीं है। अगर उनको लगता है कि देश में जिस तरह से नफरत का माहौल बनाने वाली एक सरकार, महंगाई बेरोजगारी में फेल कर चुकी सरकार है, उसके खिलाफ जो एक विचारधारा इंडिया अलायंस के पार्टियां लड़ रही हैं, पार्टियों के विचारधारा के साथ वो आना चाहेंगे तो आए, उसके बाद सीट पर बात होगी, न कि सीट के लिए उनको कोई यहाँ पर जगह नहीं है। पहले वो विचारधारा से लड़ने का बात करें और एक जो नफरती माहौल बनाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी एनडीए को लीड कर रही है उससे दूर हो, उसको छोड़ें और ये विचारधारा के साथ हैं, उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे कि वो कितने सीटें जीत सकते हैं। सीट गिनती इस बार मायने नहीं रखती है योगेश जी, इस बार हम लोग का प्रयास है कि जो जीत सकता है वो सीट वही लड़ेगा, कोई कम लड़ सकता है, कोई ज्यादा लड़ सकता है, लेकिन पशुपतिनाथ पारस जी पहले आए, उसके बाद ये सब चर्चा होगी। अभी सब चर्चा करना कोई औचित्य नहीं। लाल बाबू खान साहब, आपकी पार्टी तो कह रही है कि पशुपति पारस का कोई जनाधार ही नहीं है बिहार में, तो अगर वो आते हैं तो ये माना जाए कि उनको कोई सीट नहीं दी जाएगी, जिस तरीके से एनडीए ने उनके साथ व्यवहार किया है वही व्यवहार इंडिया गठबंधन में भी अगर वो आते हैं तो ऐसा ही होगा, क्योंकि आप ही के नेताओं के तमाम बयान आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि फिलहाल पशुपति पारस जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। इंडिया गठबंधन में शामिल करना ना करना ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का काम है। यहाँ टीवी चैनल पे बैठकर ये कोई प्रवक्ता नहीं अधिकृत रूप से बयान दे सकता है कि वो हमारे साथ शामिल होंगे या हमें हम लोग उनको इतनी सीट देने जा रहे हैं। ये सारी बातें हमारे शीर्ष नेतृत्व ही तय करते हैं और वही कर सकते हैं। अभी तक ऐसी कोई भी बात नहीं है, कोई भी शीर्ष नेतृत्व की तरफ से अभी तक ऐसी कोई बात नहीं की गई है
जिसमें वो अभी हम ये मान के चलें कि वो हमारे इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं। खबर है कि लालू प्रसाद यादव लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, बातचीत जारी है। ठीक है, वो बातचीत अगर कर रहे होंगे तो हमारे शीर्ष नेतृत्व उसको समझेंगे, वो फैसला लेने के लिए वो काफी है। हम लोग उस पर कोई फैसला न ले सकते हैं, न उस पर कोई बयान दे सकते हैं। हम लोग अभी आपको इतना आश्वस्त करते हैं कि अभी पशुपतिनाथ पारस जी के साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दुर्व्यवहार किया है वो घोर निंदनीय है। अभी वो हम इतना कह सकते हैं कि वो अभी इंडिया गठबंधन के हिस्सा नहीं है। आपको मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगा। हाँ हाँ। जो पिछले हफ्ते एक आध हफ्ते से जो टीवी डिबेट चल रहे हैं तमाम गोदी मीडिया पर मैं देख रहा हूं, उसमें बार बार यही एक टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है, डिबेट हो रहा है कि अब की बार 370 पार 400 पार। हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल इस बार 200 पार कैसे करेंगे, इस पर डिबेट क्यों नहीं हो रही है। सरकार कैसे बनाएंगे, इस पर डिबेट क्यों नहीं हो रही है। उनके सारे जो कार्यक्रम उन्होंने पिछले 10 साल में किए हैं उस पर डिबेट क्यों नहीं हो रही है। ये बार बार एक ही पॉइंट पे डिबेट क्यों हो रही है, अब की बार 400 पार, अब की बार 370 पार, ये क्या दर्शाता है, ये समझ में नहीं आता है। मैं आपको एक छोटा सा मिसाल दे रहा हूं, ये सरकार मोदी सरकार जो घबराई हुई है, हताशा है, जो निराशा है इस बार उनको कि ये पप्पू यादव शामिल हो रहे हैं तो इनको बेचैनी बढ़ जा रही है, यूपी में दानिश अली शामिल हो रहे हैं उनको बेचैनी बढ़ जा रही है, राजस्थान में इनके खुद के सांसद इंडिया गठबंधन में शामिल हो रहे हैं इनको बेचैनी हो जा रही है, विभिन्न प्रदेशों में इनके वर्तमान सांसद पूर्व सांसद इंडिया गठबंधन में शामिल हो रहे हैं इनको बेचैनी हो रही है। मैं एक चीज आपको बता दूं कि अभी जो पिछले हफ्ते जो घटनाक्रम हुआ है ये इतने हताश निराश हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो खाता है जिसमें उनके वर्करों ने पिछले कई वर्षों से 285 करोड़ रुपए जुटाए हुए हैं जो इनके खाते में अभी मौजूद हैं, उनके खाते को फ्रीज कर दिया गया है। आखिर ये क्या चाह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी चुनाव न लड़े, ये क्या चाह रहे हैं, आखिर इनके खाते को फ्रीज करने की वजह क्या है। और एक हास्यास्पद बात मैं आपको ऐड करना चाहता हूं, अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये जो नोटिस पिछले हफ्ते इन्होंने भेजा है जिसको लेके इन्होंने कांग्रेस के खाते को फ्रीज किया है वो 94-95 जब सीताराम केसरी उस वक्त अध्यक्ष हुआ करते थे उस वक्त के असेसमेंट ईयर को देखते हुए उसका नोटिस अभी इस बार पिछले हफ्ते भेजा है कि उस वक्त आपके खाते में फलां गड़बड़ी थी, उसका नोटिस अभी इस हफ्ते आ रहा है। ये क्या दर्शाता है इन लोगों की मानसिकता को, ये किस तरह से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लोकतंत्र को किस तरह से प्रभावित करना चाहते हैं, लोकतंत्र को आखिर ये जिंदा रखना चाहते हैं या लोकतंत्र को सफाया कर देना चाहते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये इससे स्पष्ट होता है कि ये काफी डरे हुए हैं, काफी सहमे हुए हैं, ये कांग्रेस पार्टी को मजबूती से चुनाव लड़ने नहीं देना चाह रहे हैं, इनकी ये हताशा साफ दर्शाती है। देखिए इनका जो भ्रष्टाचार का मामला है, भ्रष्टाचारी इनके पास आते हैं तो वेल एंड गुड, सब पाक साफ नजर आते हैं। अजित पवार जी आते हैं जिन पर 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप इनके ही नेता प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लगाया, इनके नेता वहां के पूर्व मुख्यमंत्री कहते थे चक्की पिसिंग जेल में घुसिंग, चक्की पिसिंग जेल में घुसिंग, और इनके साथ आ जाते हैं उप मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं, इनके नेता मुख्यमंत्री आसाम में बने बैठे हैं जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। तो ये भ्रष्टाचारी इनके पास आके और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, ये कैसी मानसिकता है इनकी। ठीक है ऋषिकेश जी, मैं लाल बाबू खान जी की ही बातों को आगे बढ़ाना चाहता हूं। उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी का अकाउंट के बारे में लोगों को दर्शकों को आपके बताया, मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के अलावा यूथ कांग्रेस का अकाउंट भी उन्होंने फ्रीज कर दिया, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अकाउंट भी उन्होंने फ्रीज कर दिया। इनकम टैक्स रूल के तहत जो 10,000 तक का जुर्माना लगना था अभी तक कांग्रेस पार्टी के अकाउंट से जबरन 200 करोड़ रुपया उन्होंने निकालने का काम किया, बैंक के अधिकारी पर दबाव डाल करके 200 करोड़ रुपया कांग्रेस पार्टी का अकाउंट से निकाल लिया। भारतीय जनता पार्टी की
मानसिकता को समझने की जरूरत है। वो चाहती है कि देश की सबसे बड़ी जो अपोजिशन पार्टी है और इंडिया अलायंस का जो मुख्य पार्टी में से एक कांग्रेस है, उसके वो चुनाव लड़ने में इस तरह से बाधा पहुंचाओ ताकि वो ना ऐड कर सके, ना अपने अकाउंट से पैसा निकाल के अपने चुनाव लड़ सके अच्छे से, और हर तरीके से वो परेशान करने का कोशिश कर रहे हैं। लाल बाबू जी ने एक और खान साहब ने एक और बात कही कि ये 400 पार का नारा दे रहे हैं। मैं भी कहना चाहता हूँ कि ये खोखला नारा है। क्यों खोखला नारा है? 2019 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, 543 सीटें हैं योगेश जी देश में लोकसभा की, जिसमें 437 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, जिसमें 67 सीट पर उनका जमानत जब्त हो जाता है, यानी कि लगभग 175 सीट पे भारतीय जनता पार्टी या तो लड़ती नहीं है या तो लड़ने की स्थिति में नहीं। वो मैक्सिमम 350 सीटों पर ही अच्छे ढंग से चुनाव लड़ती है, और 350 सीट पर ही जो ढंग से चुनाव लड़ती हो पार्टी, वो 370 सीटें कैसे पार करेंगी? और हिंदी बेल्ट की मैक्सिमम राज्य जो है योगेश जी, ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी वहां के लगभग 99% या 100% लोकसभा की सीटें उनकी है, यानी कि वो कितना भी दौड़ लगा ले भारतीय जनता पार्टी, कितना स्पीड चल ले, लेकिन ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा होगा। जैसे ट्रेडमिल पर आप बहुत तेज दौड़ते हैं लेकिन पहुंचते कहीं नहीं है, वही स्थिति में भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में है कि वो कितना भी तेज दौड़ ले, कितना भी भाग ले, कितना भी बोल ले, लेकिन पहुंचेगी कहीं नहीं। वो मैक्सिमम सीटें भी अचीव कर चुकी है। एक आंकड़ा और मैं आपको बताता हूँ कि लगभग जैसे 10 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी मैक्सिमम सीटें जीत चुकी है। 2019 का इलेक्शन में 11 राज्य ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का खाता ही नहीं खुला है। ये आंकड़ा भी देश को जानना चाहिए कि जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को बताती है, उस पार्टी का 2019 में भी 11 राज्यों में खाता ही नहीं खुला। तमिलनाडु, केरला, आंध्रा और भी कई नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, पांडुचेरी है, साउथ का राज्य है, वहां खाता नहीं खुला। ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी जितना भी इस बार नारा दे रही है वो खोखला नारा है, बेबुनियाद नारा है। भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि इस बार का चुनाव वो बुरी तरीके से हारने जा रही है, तो एक माहौल क्रिएट कर रही है मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, ताकि लोगों को लगे कि वो मजबूत स्थिति में है। अगर वो मजबूत स्थिति में होती तो उत्तर भारतीयों को गाली देने वाला, डंडा से पीटने वाला पार्टी राज ठाकरे मन से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ अलायंस नहीं करती। आज के डेट में आप देखेंगे कि 38 से 39 पार्टियां एनडीए में हैं, जिसमें 20 पार्टियों के पास या तो एक सांसद है या तो जीरो सांसद है। तो ये दिखाता है कि अगर आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होते, मोदी जी का गारंटी अगर सही में अगर मजबूती से काम किया होता तो आपको इतनी पार्टियों के साथ, और खास करके जिनकी एक भी लोकसभा सीट नहीं है, एक भी राज्य में कहीं सरकार ने, उन जैसे 20 पार्टियों से उनका अलायंस है। मुश्किल से 2-3 पार्टियां जो मजबूत थी 2019 में, अकाली दल थी, शिवसेना थी, सब एनडीए को छोड़ चुकी है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को 200 का आंकड़ा पार करना मुश्किल हो जाएगा योगेश जी, और वो कितना भी चिल्ला लें, कितना भी बोल लें, कितना भी दौड़ लें, ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा ही होगा कि वो वहीं के वहीं रहेंगे। दौड़ेंगे तो बहुत स्पीड में लेकिन पहुंचेंगे कहीं नहीं। लेकिन बिहार का अगर हम जिक्र करते हैं तो कांग्रेस कितनी 8 या 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, या इससे ज्यादा मांग की जा रही है? मैंने आपको अभी बताया योगेश जी कि 24 से 48 घंटे के अंदर कितने सीटों में कौन सी पार्टी बिहार में लड़ेगी और कौन कौन से कैंडिडेट होंगे आपके सामने अधिकृत रूप से रख दिया जाएगा। थोड़ा सा इतना इंतजार कर लिए तो थोड़ा सा और इंतजार करिए, और हम लोग देर आएंगे, दुरुस्त आएंगे और मजबूती के साथ आएंगे। और बिहार में हम लोग की लड़ाई कांग्रेस आरजेडी का जीतने का नहीं, इस बार 40 का 40 सीट जीतने की लड़ाई हम लोगों की है। ठीक है, लाल बाबू खान जी, देखिए मैं आपके माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये जो ये नारा दे रहे हैं, इतना पार, फलाना पार, ढिमका पार, ये कैसा खोखला नारा है वो मैं तर्क के साथ बता रहा हूँ। ये लोग तो हवा बेजुबानी जुमलाबाजी करते हैं, मैं तर्क के साथ आपको बता रहे हैं। इससे पहले अभी हम लोगों की यहाँ तेजस्वी, हम लोगों के नेता माननीय उप मुख्यमंत्री के रूप में जो काम किया उन्होंने, आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने, जो उन्होंने 17 महीने में जो 4-5 4.5 लाख के करीब लोगों को रोजगार दिया,
जो उन्होंने बिहार में काम किया है उसको देखते हुए जो बिहार में तेजस्वी जी के प्रति जो लोगों का विश्वास बढ़ा है, ये आपको यहाँ बिहार में सुनिश्चित करता है कि इस बार बिहार में इनका मतलब सीट कम से कम इनका ये आ जाएंगे 5 सीट पर। ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि ये 4 से 5 सीट, छठा सीट इनको मिलने नहीं जा रहा है। मैं हवा हवाई बात नहीं कर रहा हूं कि इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, मैं 4 या 5 सीट, छठा सीट इनको नहीं मिलने जा रहा है बिहार में। उसके बाद आ जाइए आप बंगाल में, बंगाल में ये 2 से 3 सीट, चौथा सीट इनको नहीं मिलने जा रहा है, वहां भी इनका 12-15 सीट का नुकसान होने जा रहा है। बिहार में ये 25 से 30 सीट, 30 सीट 35 सीट के आसपास ये कम होने जा रहा है, यहाँ नुकसान होने जा रहा है। महाराष्ट्र में ये 48 से ये वहां 5 सीट पर सिमट के रह जाएंगे, वहां इनकी 41 सीट थी एनडीए की, वहां ये 5 सीट पर आ जाएंगे, वहां इनका 35 सीट का नुकसान हो रहा है। कुल मिला के अगर आप देखिएगा तो ये 200 के ऊपर पहुंचने में इनको आफत और विपत सब कुछ आ जाएगा। ये 200 से ऊपर नहीं पहुंचने जा रहे हैं। जो स्थिति है, जो काम हमारे नेता ने बिहार में किया है वो तो मतलब ऐतिहासिक है, उसका तो चर्चा यहाँ लोगों में है। लोग यही कह रहे हैं कि आपने कहा, आपने किया और आप ही करेंगे। लोगों में विश्वास दोगुना बढ़ गया है। और ये नीतीश जी को लाकर ये सोच रहे हैं कि इनके वोट प्रतिशत में इजाफा हो जाएगा, कहीं इजाफा नहीं होगा। नीतीश जी को लाने पर भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान होगा, ये 2024 4 जून के बाद इनको पता चलेगा कि ये नीतीश जी को लाकर इन्होंने क्या फायदा लिया, क्या नुकसान किया। यूपी में ये 25 सीट से ज्यादा ये जीतने नहीं जा रहे हैं और इनके नेता कह रहे हैं कि हम 80 सीट लाएंगे। भैया ये हकीकत नहीं है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं और गारंटी के साथ आपके चैनल पे कह रहा हूं कि ये इस बार 200 सीट से ज्यादा पार नहीं करने वाले हैं। और बात इनके कुछ गोदी मीडिया के लोग दिन रात माला जप रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं कि 370 पार, 400 पार। अजीब, मतलब समझ में नहीं आ रहा है लोगों को किस तरह से गुमराह किया जा रहा है। जो काम इंडिया गठबंधन के लोगों ने किया है, जो वादा राहुल गांधी ने अपने जो 5 मुख्य जो वादा किए हैं उन्होंने, युवाओं के साथ, किसानों के साथ, नारी शक्ति की जो वादा किया है, जो जवानों के साथ इन्होंने राहुल गांधी जी ने जो बात कही है, ये क्या दर्शाता है? ये अपने आप में एक ऐतिहासिक वादा किया है लोगों के साथ। और राहुल जी ऐसा नहीं है, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उनकी सरकार में चले जाएं ये लोग, जो उन्होंने अपनी अपनी सरकार में कर्नाटका से लेके जहां भी सरकार इनकी बनी है उस पर ये पूरी तरीके से खड़े उतर रहे हैं। और इन लोगों ने क्या किया, आपने इतना कैलकुलेट किया लाल बाबू खान जी, तो बिहार में वो कौन सी 5 सीटें हैं जो कि एनडीए के खाते में जा रही हो? क्योंकि आपने ये भी देखा होगा, तभी तो डिसाइड किया कि 5 सीटें आ रही हैं। 5 से 6 सीटें इनको नहीं जाएगी। कौन सी वो 5 से 6 सीटें हैं, वही तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, दर्शक भी जान जाए आपके लिए। 5 सीटें भी इनकी नॉर्थ बिहार में ही कहीं मिलने जा रही है। अब आपको मैं आपको रिजल्ट बता देगा 4 जून के बाद, आप भी रहिएगा, मैं भी रहूंगा, आप देखेंगे और जनता भी देखेगी। ऋषिकेश जी, लाल बाबू खान का असेसमेंट कितना सही था? ऋषिकेश जी 4 जून को रिजल्ट बता देंगे, लेकिन सवाल तो फिर वहीं खड़ा आ जाएगा। अगर लाल बाबू खान साहब के कथनानुसार रिजल्ट बिल्कुल विपरीत गया, तब तो फिर आप ईवीएम का रोना रोने लगेंगे कि ईवीएम साहब गड़बड़ थी, ईवीएम ने सब गड़बड़ कर दिया। दोनों बात योगेश जी अलग अलग है। ईवीएम का बात अलग है और आंकड़ा का जो लाल बाबू खान साहब ने बात की वो दोनों बात अलग है। आप ये नहीं मानते हैं कि ईवीएम का एक आंदोलन चल रहा है देश में? देश के बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं वो एक आंदोलन छेड़े हुए हैं। हम लोग तो 6 महीना से चुनाव आयोग से ये मांग कर रहे हैं कि आप हमसे मिलिए, हमको ईवीएम के मुद्दे पर आपसे बात करनी है। चुनाव आयोग ने योगेश जी अभी तक इंडिया अलायंस के किसी पार्टनर को समय नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? सुप्रीम कोर्ट भी तो बुलाता है, अधिकार नहीं है चुनाव आयोग नहीं जाते। दूसरी बात, वहां पर आप पहुंची, आप दिखाइए कि साहब हाँ ये देखिए ना, आपने एक से के आईटी एक्सपर्ट को लेकर के जाइए, दिखाइए कि ये देखिए ईवीएम में ऐसी गड़बड़ है यहाँ पर। कहाँ पर आप जाने के लिए? सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं। योगेश जी आपको जानकारी के लिए बता दें, कई चीजें जो जहाँ के लिए
रहती है वही बात करनी पड़ती है। ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट आप कैसे जाएंगे? ऋषिकेश सिंह जी आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों को बुलावा भेजा था, आप लोग पहुंचे नहीं थे। हम लोग उसने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप आकर के हमारे सामने बताइए, दिखाइए कहां पर गड़बड़ी है, आप साबित करिए। हम समझे तो सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया था, आप लोग गए नहीं थे। आप मेरी बात नहीं चाह रहे हैं कि दर्शकों तक जाए। आप बताइए पूरी बात, आपको तो चुनाव दे रहा हूं मैं। एक चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, मानते हैं ना आप? हाँ बिल्कुल, सभी पार्टियों को बराबर का अधिकार है ना चुनाव आयोग के ऊपर। तो 6 महीना से जब हम लोग चुनाव आयोग से समय मांग रहे हैं तो क्यों नहीं दे रहे हैं? और जनता को ये जानने का अधिकार है कि नहीं कि 2 साल पहले एक चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दिया, वो आज तक कारण पता नहीं चला। अभी पिछले 10 दिन पहले एक चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दिया, तो जनता को ये कारण पता होना चाहिए कि नहीं। और जहां तक एक लाइन और योगेश जी, आपने देखा होगा कि पिछले महीने जब पार्लियामेंट का सेशन था, पहले चुनाव आयुक्त कौन तय करते थे? पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। एक कानून ला करके योगेश जी और पूरे सिस्टम को बदल दिया गया कि नहीं, एक कैबिनेट मंत्री, पीएम और लीडर ऑफ अपोजिशन, यानी सरकार के 2 लोग। जहां सरकार के 2 लोग रहेंगे वहां कतई ये मुमकिन है कि फेयर डिसीजन हो पाएगा? हम लोग का देखिए, ईवीएम का मुद्दा अलग है योगेश जी, और जो आंकड़ा का मुद्दा है वो अलग है, दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए आपको। ठीक है, नहीं मिक्स नहीं कर रहा, लेकिन सवाल हमारा ये है, देखिए 2 पहलू हैं। ईवीएम पर एक सवाल है, वो रहेगा और बना रहेगा, उसके लिए चुनाव आयोग को सभी पार्टी को बुला करके और बता देना चाहिए कि ऐसा ऐसा। हम लोग का मांग क्या है योगेश जी, मैं आपको बताता हूँ। मांग ये है कि जो पेपर ट्रेल होता है, ठीक है, तो एक देखिएगा कि आप वोट करने गए होंगे, वीवीपैट होता है, तो आप जिस निशान पर वोट किए उसी का पेपर बॉक्स में गिरता है। ठीक बात, आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं। हम लोग का कहना है कि वो पेपर का भी तो गिनती हो जाए, ईवीएम का जांच गिनती हो जाए, साथ में पेपर का गिनती हो जाए। कौन सा ये नाजायज मांग हम लोग का है? समय का थोड़ा सा और कई तरह के ये नाजायज। ठीक, अरे ठीक है, क्या कर लेंगे? ठीक है, एक सप्ताह समय लगेगा, 10 दिन लगेगा, 15 दिन लगेगा। जब लॉकडाउन में देश 100 दिन रुक सकता है, तो हमारा लोकतंत्र में 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन का समय लेकर के हम काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ठीक है, ये सवाल आपके जायज है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से अब सियासी हलचल मची हुई है और सभी राजनीतिक दलों की तरफ से चुनाव को जीतने के लिए अपनी अपनी रणनीति बनाई जा रही है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए JK 24/7 न्यूज़। नमस्कार।